राहुल के हिंदू वाले बयान पर लोकसभा में भारी बवाल देखने को मिला। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं, ये बात कही राहुल गांधी ने और कहा कि हिंदू का मतलब आरएसएस बीजेपी नहीं है। हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, नफरत फैला रही है बीजेपी, ये बात कही है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी 24 घंटे नफरत फैला रही है। क्या भगवान शंकर की फोटो दिखाना मना है? भगवान के हाथ में त्रिशूल हिंसा का प्रतीक नहीं है। पीएम ने कहा गांधी को फिल्म से जाना गया, कांग्रेस ने शिव की फोटो दिखाई तो गुस्सा हो गए। गुरु नानक जी कहते हैं डरो मत डराओ मत। गुरु नानक ने जिंदगी में किसी को डराया नहीं है। आप हिंदू हो ही नहीं, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। मोदी ने टोका हिंदुओं को हिंसक कहना गलत। राहुल के जवाब आप पूरा हिंदू समाज नहीं है, राहुल को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बात यह है अमित शाह ने, यानी कि जैसे ही राहुल गांधी ने घेरना शुरू किया उसके बाद अमित शाह ने और तमाम वहां पर बैठे मौजूद सांसदों ने और मंत्रियों ने टोकने की कोशिश भी की। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। अग्निवीर को शहीद का दर्जा सरकार नहीं देती है। अग्निवीर की सच्चाई सेना को पता है। राहुल के बयान पर बीजेपी को आपत्ति। शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए गए, ये बात कही राजनाथ सिंह ने। अगर आप शिवजी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा डर फैला दिया है। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान सर, सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। स्पीकर सर मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। स्पीकर सर देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझ कर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए आप इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे हटा देंगे, सिंपल सी बात है। हमारी सरकार आई थी अग्निवीर को हम हटा देंगे।
हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है, हम स्कीम को नहीं चाहते।